Good morning, children. Welcome back to online English class. So, children, we will continue our lesson. So, let's start. The man laughed. Not I, nor anyone here. I have waited here for 2 days to tell you that the most beautiful thing cannot be brought to you. You must go to it. जो बियर्ड मैन था वो क्वीन के पास आया और उसने क्या कहा हंसते हुए कि आपको अगर सबसे सुंदर चीज़ चाहिए तो आपको यहाँ पे कोई नहीं ला के देगा, आपको जाना पड़ेगा. ओके, द क्वीन वॉज एस्टोनिश्ड. शी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन. जो क्वीन थी काफ़ी काफ़ी क्या हो गई थी, सरप्राइज्ड हो गई थी, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्वीन को बोले कि आपको जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन, तुम बोलना क्या चाहते हो. बट द मैन वॉज गॉन. बट वो वहाँ पे पैलेस में बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया. द क्वींस एडवाइजर सेड डू नॉट बॉदर योर सेल्फ अबाउट व्हाट ही सेड योर मैजेस्टी. जो क्वीन का जो एडवाइसर है, जो एडवाइस करता है क्वीन को, उसने क्या कहा, महारानी आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए. बट द क्वीन हैड एन आइडिया. मगर क्वीन के पास एक आइडिया आया. सेंड एवरीवन होम, पॉइंटिंग टू द पीपल स्टिल वेटिंग इन लाइन. आई मस्ट प्रिपेयर फॉर अ ट्रिप. क्वीन के पास आइडिया आया और उन्होंने क्या कहा, जितने लोग आए हैं इस कॉन्टेस्ट में सबको उनको घर भेजो. यहाँ तक जो लोग अपना पेंटिंग्स भी नहीं दिखा पाए कि वो ब्यूटीफुल थिंग्स जो लाए थे, लोग खड़े थे लाइन पे वेट करने के लिए, वो भी सब घर जाने लगे क्योंकि क्वीन ने ऑर्डर दिया. और उन्होंने क्या कहा एडवाइसर को, आई मस्ट प्रिपेयर फॉर अ ट्रिप. और उन्होंने क्या कहा, अब मुझे एक ट्रिप के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. द एडवाइसर वॉज सरप्राइज्ड. अ ट्रिप, वेयर टू, ही आस्क्ड. एडवाइसर काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया, खुश हो गया कि अरे ट्रिप पर कहाँ पे. द क्वीन स्माइल्ड एंड सेड एस वेयर. मगर जो क्वीन थी वो उन्होंने हंस के जवाब दिया कहीं पे भी. ऑल अरेंजमेंट्स वेयर मेड. और सारी अरेंजमेंट्स शुरू होने लगी. द क्वीन वॉज सो एक्साइटेड डैट शी वॉर हर बेस्ट ड्रेस्ड एंड हर क्राउन फॉर द जर्नी. और जो क्वीन थी वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई, खुश हो गई, और उन्होंने अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनी और क्राउन जो उनका ताज था वो पहना और अपने ट्रिप की जर्नी के लिए वो चल दी. ओके, द क्राउड चीयर्ड हैज द रॉयल कैरेज मूव्ड आउट ऑफ द पैलेस गेट्स. जैसे वहाँ से रानी अपने जर्नी के लिए पैलेस से बाहर निकलने लगी, तो मतलब महल से बाहर निकलने लगी, तो जो वहाँ के क्राउड थी, भीड़ थी, वो चिल्लाने लगे कि रॉयल कैरेज अब बाहर जा रही है, रानी जीत के आए, उनको उनकी ब्यूटीफुल थिंग्स मिले. द क्वीन वॉज नॉट श्योर व्हाट शी वॉज सीकिंग. मगर क्वीन को अभी भी श्योर नहीं थी कि वो क्या चीज़ देखना चाहती हैं और क्या चीज़ वो पाएंगी, वेयर टू फाइंड. बट हैज हर कैरेज राउंडेड अ हिल शी लुक्ड बैक एट द पैलेस. जैसे ही वो अपने महल से बाहर आ रही थी, उन्होंने एक बार मुड़ करके अपने पैलेस को देखा. द सेटिंग सन स्पार्कल बिटवीन द वाइट टावर्स. और वहाँ बीच पे जो सन था वो वहाँ पे वाइट टावर पे दिख रहा था. द सीन लुक लाइक समथिंग आउट ऑफ अ स्टोरी बुक. और ऐसा जो सीन बन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्टोरी बुक हम देख रहे हैं. Why have I never seen my home this way before? और उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा क्यों नहीं देखा, कभी भी अपने घर से बाहर निकल करके. She wondered, क्योंकि वो कभी घर से बाहर निकलती नहीं थी क्वीन, इसलिए उनको कभी पता ही नहीं था कि कितनी प्यारी चीज़ें हैं बाहर पे. The queen spent weeks traveling. और हफ्तों भर वो ट्रैवल ही करती रहीं रानी ने. शी saw ब्यूटी एवरीवेयर. और उन्होंने क्या देखा, ब्यूटी ही सब जगह दिख रही थी उनको.
इन द बर्ड्स फ्लाइंग बैक टू देयर नेस्ट, और जितनी भी चिड़ियाँ हैं वो शाम के टाइम पे अपने नेस्ट पे आती हैं, घोंसले पे, इन अ न्यूली बॉर्न काफ, इन द ट्विंकलिंग स्टार, और बाहर जो काफ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको वो देख रही हैं, ट्विंकलिंग स्टार, सितारों को वो बाहर आकर के देख रही हैं. सो स्टूडेंट, दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू.